वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के पास आदिवासियों का एक छोटा सा उलिहातो नामक गांव है। इसी गांव में 15 नवंबर 1875 में एक अत्यंत गरीब परिवार में बिरसा मुंडा नाम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा व माता का नाम करसी हातु था। बचपन में ही बिरसा ने अपने बहादुर पिता से तीर कमान तथा दूसरे हथियार चलाने की विद्या प्राप्त कर ली थी। उसका निशाना अचूक था। उसने अपनी मौसी के गांव खटंगा के एक मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्रारंभ की। पढ़ने में उसकी बहुत रुचि थी। स्कूल से ही लौटकर वह बकरियां चराता था। बकरियां चराते समय वह जमीन पर ही लिखने का अभ्यास करता था और इसमें वह इतना मग्न हो जाता था कि बकरियों को भूल जाता था। एक दिन बकरियों को भेड़िया उठा कर ले गया। जब उसे इसका पता चला तो वह हक्का बक्का रह गया। मौसी को जब पता चला कि बकरियों को भेड़िया उठा ले गया तो वह आग बबूला हो गई। उनसे बिरसा को भारी मार खानी पड़ी। बिरसा ने खटंगा गांव छोड़ दिया और अपने बड़े भाई कोमता के पास रहने लगा। बिरसा को बचपन से बांसुरी बजाने का शौक था। वह जंगल में जाकर बिना गुरु के स्वयं बांसुरी बजाने का अभ्यास करता था। बांसुरी की आवाज सुनके जंगल के पशु पक्षी उसके पास आ जाते। उसकी इस कला का चमत्कार देखकर लोग हैरान हो जाते थे। गांव में आनंद पांडे नाम का एक धनी व्यक्ति था। बिरसा ने उसके यहाँ नौकरी कर ली और मन लगाकर सेवा करने लगा। आनंद पांडे भी उसे भरपूर प्यार देता था। बिरसा ने उससे रामायण और महाभारत की कथाएं भी सुनी थी। वह फिर मिशन स्कूल में पढ़ने लगा। बहुत से मुंडा सरदारों को मिशन में रखा गया था। उन्हें सारी सुविधाएं दी गई थी। बिरसा को भी वे सभी सुविधाएं मिलने लगी। 1879 में मुंडा समुदाय के लोगों ने सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखा। उसमें कहा गया था कि छोटा नागपुर की जमीन उनकी संपत्ति है, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1881 में मुंडा सरदारों का एक दल मिशन छोड़कर निकल आया। वे अपनी जमीन पाने के लिए अड़े थे। मिशन के फादर ने चिढ़कर कहा, सरदार धोखेबाज है, ठग है, वह सही नहीं है। इस घटना से बिरसा के मन को गहरी चोट लगी। उसने निर्भीक स्वर में लड़कों के बीच बोला, फादर बदमाश है, वह हमारे सरदारों को धोखेबाज कहता है। यह बातें फादर तक पहुंच गई। बिरसा की बातों से फादर अवाक रह गए। उन दिनों आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उन्हें भूखा सोना पड़ता था। भूख और रोग से पीड़ित आदिवासियों की दुर्दशा देखकर बिरसा बहुत दुखी रहता था। एक दिन बिरसा भी मिशन छोड़कर बाहर आ गया और उसने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। बिरसा लोगों को उपदेश देता, तुम लोग अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक भगवान की पूजा करो, सभी जीवों पर दया करो, सभी जीव भगवान की संतान है, जीव हत्या पाप है, मांस खाना और शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो। बिरसा की बातों का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसके इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते थे। वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। उसने देश से अंग्रेजों को भगाने का प्रण कर लिया। उसने आदिवासी युवकों का संगठन तैयार कर उन्हें तीर तलवार चलाने की शिक्षा दी। गया मुंडा उसके संगठन का सेनापति और मंत्री था। अंत में उसने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। अनेक स्थानों पर जमकर लड़ाई हुई। जब उसने देखा कि अंग्रेजी सेना का सामना करना कठिन है, तब वह पत्नी के साथ जंगल में छिप गया। एक दिन उसे भात खाने की इच्छा हुई। पत्नी भात पकाने लगी। वह सो रहा था, तभी किसी ने अंग्रेजों को खबर कर दी और बिरसा पकड़ा गया। बिरसा के हाथों में हथकड़ियां थी, उसके सिर पर पगड़ी थी और वह धोती पहने था। उसके बदन पर और कुछ नहीं था। रास्ते के दोनों ओर लोग खड़े थे। औरतें छाती पिटकर रो रही थी। वे हाथ उठाकर कह रही थी, जिसने तुम्हें पकड़वाया है उसे जल्दी मौत होगी, भगवान तुम्हें जल्दी मुक्त करे। बिरसा के पकड़े जाने पर सारे छोटा नागपुर के लोगों में आक्रोश भड़क उठा। अब तक लोगों में काफी जागृति आ चुकी थी। बिरसा को आदिवासी अपना नेता मानने लगे। अब मुंडारियों को अपने कब्जे में रखना अंग्रेजों को भारी पड़ रहा था।
9 जून 1900 को रांची की जेल में खून की उल्टी करते करते बिरसा की मृत्यु हो गई। आज भी मुंडारी आदिवासी बिरसा को भगवान के रूप में याद करते हैं। मुंडारी समुदाय इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए अमर हो गया।